सो हेलो एंड वेलकम बैक मेरे देश के भविष्यों, 10th स्टैंडर्ड, यस। एक्सरसाइज 8.4 डिस्कस करेंगे। ओरी बाबा, 8.4। आज डिस्कस करेंगे, लेकिन उसके पहले एक चीज बता दूं कि इस चैप्टर में, मतलब इस चैप्टर नहीं, इस एक्सरसाइज में ना कुछ आइडेंटिटीज हैं जो याद करनी पड़ेंगी। अब ऐसा बोलोगे कि इसके पहले भी जितनी एक्सरसाइजेस की हैं हमने, हर एक्सरसाइज के पहले आप यही कहानी सुनाते हो कि इसमें कुछ आइडेंटिटीज याद करनी पड़ेंगी, इसमें कुछ आइडेंटिटीज याद करनी पड़ेंगी, तो इसमें नया क्या है। लेकिन देखो, इस बार वाली जो बात है ना, उसको थोड़ा ज़्यादा सीरियसली लो। इस बार जो आइडेंटिटीज आएंगी वो है तो बहुत ही सिंपल, कुछ है नहीं आइडेंटिटीज में, लेकिन सही जगह पर यूज करना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि ये एक्सरसाइज पिछले 3 एक्सरसाइज से ज्यादा डिफिकल्ट है। वो सब में कुछ भी नहीं था, एकदम लल्लू लल्लू थी। यहां थोड़ा थोड़ा डिफिकल्ट है। अब बोलोगे, पहले बोलते ज्यादा डिफिकल्ट है, फिर बोलते थोड़ा डिफिकल्ट है, ज्यादा मतलब कंपैरेटिवली उन एक्सरसाइजेस के कंपैरिजन में ज्यादा डिफिकल्ट है, बट ओवरऑल देखा जाए तो इतना भी डिफिकल्ट नहीं है, समझ में आ जाएगा, इजी है। बस क्या रहता है ना कि टेक्स्ट बुक में जो क्वेश्चंस हैं उसमें एक दो क्वेश्चन ऐसे हैं जो ज्यादा दिमाग घुमाते हैं, ठीक है। बाकी अगर आप बाहर से जब क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हो ना, वहां थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, पर आपको मोस्टली टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस करने हैं, टेक्स्ट बुक से रिलेटेड ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं एग्जाम में, ठीक है। तो इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हाँ, आप पहले टेक्स्ट बुक का पूरा खत्म कर लो, एक्सरसाइज के जितने क्वेश्चंस हैं, उसके बाद कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, बट बहुत ही एकदम अजीबोगरीब मत करना, ठीक है। हाँ, करते हो तो तुम्हारा प्रैक्टिस होता है, आपका दिमाग खुलता है। इस तरह के क्वेश्चंस जो भी इस एक्सरसाइज में हमारे क्वेश्चंस आने वाले हैं, तो इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करने के बाद ना आपका दिमाग का बहुत अच्छा एक्सरसाइज हो जाता है, ब्रेन एक्सरसाइज होती है आपकी, एंड दैट इज वेरी हेल्पफुल फॉर यू इन योर फ्यूचर, इन केस अगर आप साइंस लेते हो या जो भी लेते हो, हर जगह आपको यूज में आने वाला है, ठीक है। तो एक्सरसाइज 8.4 मैं निकालूँ, यस 8.4 निकाल लिया है मैंने, लेकिन उसके पहले मैंने जैसा कहा कि आइडेंटिटीज डिस्कस करना जरूरी है, तो शुरू करते हैं। तो 8.4 एक्सरसाइज के लिए जो आइडेंटिटीज हैं वो कुछ इस प्रकार हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, ठीक है। आइडेंटिटीज तो सिंपल सिंपल हैं, उन आइडेंटिटीज के साथ आपको खेलना आना चाहिए, आपको वहां इधर उधर अलट पलट कर सब कुछ चेक करना है, बराबर है। देखो, आपको यही आइडेंटिटी याद करनी है, बाकी आइडेंटिटीज आप यहां से बड़ी आसानी से बना सकते हो, ठीक है। सिर्फ ये एक आइडेंटिटी आपके ध्यान में रहेगी ना, तो बाकी सारी आइडेंटिटीज आप यहां से बना लोगे, आराम से बना लोगे, ठीक है। देखो, पहले तो मैं 3 मेन आइडेंटिटीज आपको बता देता हूं जो आपको यहां पर ध्यान में रखनी है। एक है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल्स टू 1, दूसरा है हमारा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 6 स्क्वायर थीटा, और तीसरा है हमारा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। पर ये दोनों भी आपको याद करने की जरूरत नहीं है, ये यहीं से बनता है, ठीक है। ऐसा नहीं कहूंगा जरूरत नहीं है, याद कर लोगे तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। मैंने पहले ही कहा है, जितनी चीजें आपको याद रहेंगी आपका टाइम बचेगा, पर ये आप यहां से बना सकते हो, ये भी आप इसमें से बड़ी आसानी से बना सकते हो। कैसे बना सकते हो वो बता देता हूं। देखो, ये कैसे बनेगा, आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है, राइट। क्या करो, साइन से डिवाइड कर दो, ठीक है, सबको साइन स्क्वायर से डिवाइड कर दो, तो यहां भी साइन स्क्वायर से डिवाइड करोगे, एलएचएस में किया तो आरएसएस में भी करना पड़ेगा। अच्छा, ये साइन स्क्वायर करके क्या आएगा, 1 आएगा। ये कॉस स्क्वायर बाय साइन स्क्वायर, कॉस बाय साइन क्या होता है आपका, कॉट होता है, तो कॉस स्क्वायर बाय साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका, कॉट स्क्वायर आएगा। तो कॉस स्क्वायर बाय साइन स्क्वायर थीटा कॉट स्क्वायर थीटा होता है, दैट इज इक्वल टू 1 बाय साइन स्क्वायर, एंड 1 बाय साइन स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हो, कोसेक स्क्वायर, क्योंकि 1 बाय साइन आपका कोसेक होता है, तो 1 बाय साइन स्क्वायर आपका कोसेक स्क्वायर हो जाएगा। ये वाली आइडेंटिटी बन गई क्या, है ना। अच्छा, अब वही सेम चीज, यही साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल्स टू 1 है, राइट। अब क्या करोगे, पहले साइन स्क्वायर से डिवाइड किया था, इस बार सबको कॉस स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं अपन, ठीक है, कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दिया, तो साइन स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर क्या होता है आपका, टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और ये कॉस स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर कट के क्या बचेगा, 1 हो जाएगा,
और 1 बाई कॉस स्क्वायर आपका हो जाता है कितना, सेक स्क्वायर। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा आपका सेक स्क्वायर थीटा है, ये आ गया आपका, दोनों हो गए आपके राइट, है ना। तो साइन स्क्वायर से डिवाइड किया आपने इसी को, ठीक है, तो आपका ये वाला बन गया, और इसी को कॉस स्क्वायर से डिवाइड किया तो ये वाला बन गया राइट। तो बहुत ईजी है। अच्छा बस लेकिन यहां पर आपको इतना याद करके भूल नहीं जाना, इतना याद करके आराम भी नहीं करना आपको, इसको बहुत से तरीके से खेलना है, मैंने आपको पहले ही बताया। देखो इसको आप और कैसे लिख सकते हो, ये अगर आप कॉस स्क्वायर वहां ले जाओ ठीक है, तो आपका इस तरफ साइन स्क्वायर बचता है, कॉस स्क्वायर वहां जाएगा तो हो जाएगा कितना, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यानी आप साइन स्क्वायर को 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हो, या जहां आपको 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा दिखता है वहां पर आप साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हो। समझ में आया, आप कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हो, मतलब आप साइन स्क्वायर को उधर ले गए, कॉस को ऐसे ही रहने दिया, तो ये भी पॉसिबल है राइट। तो ये आइडेंटिटी में से ही और भी दो आइडेंटिटीज बनाई जा सकती हैं राइट। वैसे ऐसा नहीं कहूंगा कि ये आइडेंटिटीज हैं, यही है वो, लेकिन इस तरह से हमको यूज करने आना चाहिए। मैंने बोला ना आपको आइडेंटिटीज के साथ खेलने आना चाहिए, तो इसको इस तरह से खेलने आना चाहिए, क्योंकि कई बार होता है ना लेंदी लेंदी क्वेश्चंस आते हैं प्रूफ करने के लिए, हमको चीज़ें पूछी जाती हैं, तो वहाँ पर बीच बीच में ना ऐसी कुछ चीज़ें दिखती हैं और हमारा दिमाग टाइम पर काम नहीं करता है कि इसको यहाँ पर, मतलब इसकी जगह पर आपको ये लिख देना था ठीक है, और बाद में वही कोई दूसरा सॉल्व कर देगा तो बोलेगा अरे यार यही था, इतना सा इजी था, ये नहीं आया मुझे, ऐसा होता है कई बार ठीक है। तो ये इस हिसाब से मैं समझा रहा हूँ इसीलिए, ताकि आप हर एंगल से इसको सोच सको ठीक है। आप इसको भी कैसे कैसे लिख सकते हो, ये वन उधर ले जाओगे ठीक है, तो आपका टेन स्क्वायर थीटा है वहाँ आप लिख सकते हो कितना, सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन लिख सकते हो, है ना। या आप कैसा लिख सकते हो, वन ऐसे रहने दो खाली टेन स्क्वायर उधर ले जाओ, है ना, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन, ये भी लिख सकते हो आप, है ना। या आप सेक स्क्वायर इधर लाओ, देखो वन माइनस सेक स्क्वायर थीटा होगा, sec square इधर लाओ और tan square उधर ले जाओ, तो यहाँ प्लस में था tan square तो उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो दैट इज इक्वल टू माइनस tan square थीटा भी हो सकता है राइट। अच्छा इसमें भी कैसा हो सकता है, ये माइनस अगर ले लो, माइनस sin square थीटा को आप क्या लिख सकते हो, cos square माइनस वन, है ना, माइनस लगा दो दोनों तरफ, तो ये माइनस प्लस हो जाएगा और ये वाला प्लस माइनस हो जाएगा, तो cos square माइनस वन को आप माइनस sin square थीटा लिख सकते हो। तो ऐसे भी आपको यूज करने आना चाहिए, इस तरह से इतना तैयार कर लो इस फॉर्मूलेज में खेल खेल कर अपने आप को, कि आगे की एक्सरसाइजेस आपसे धड़ाक से हो जाएंगी ठीक है। जो आगे क्वेश्चंस आने वाले हैं वो बहुत ही इजीली हो जाएंगे। तो पहले ना आप इस पर टाइम दो, फॉर्मूलास पर थोड़ा टाइम दो, उल्टा पुल्टा कर करके देखो कि इसको इधर उधर करने से क्या होता है, क्या क्या बन सकता है, समझ में आ रहा है। तो मैं आपको ऐसी कुछ एग्जाम्पल्स दे रहा हूं, ऐसे बहुत से तरीके से इसको चेंज कर सकते हो, समझ में आया, इसको भी समझ ही गए होंगे हम। ये कॉट स्क्वायर वहां जाके माइनस हो जाएगा, तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन हो जाएगा, है ना। कोसेक स्क्वायर इधर लाओ तो वन माइनस कोसेक स्क्वायर इक्वल टू माइनस कॉट स्क्वायर वगैरह वगैरह कई बन सकता है ठीक है। तो वो खेलने आपको आना चाहिए। तो मेन ये तीन थे, बाकी सब आपके उस हिसाब से हो जाएंगे। चलते हैं अपन क्वेश्चन की ओर, पहला क्वेश्चन ले लेते हैं अपन। पहला क्वेश्चन है एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज साइन ए सेक ए एंड टेन ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। कौन सा, साइन ए सेक ए टेन ए, इसको आपको लिखना है इन टर्म्स ऑफ, किसके टर्म्स में लिखना है आपको, कॉट ए। अच्छा यहाँ थीटा की जगह ए लिखा हुआ है ठीक है, तो इतना टेंशन मत लेना, हो सकता है अपनी बुक में साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू वन लिखा हो, मेरे को इतना ध्यान नहीं है, लगभग ऐसा भी हो सकता है। तो साइन स्क्वायर थीटा लिखो, साइन ए साइन स्क्वायर ए लिखो, एक ही बात है। थीटा की जगह पे आप यहाँ बी भी लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो ठीक है, तो इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन बोल रहा है कि साइन ए को इसके टर्म्स में लिखो, मतलब साइन ए को आप कॉट ए बना दो, मतलब साइन ए है उसको लिख दो कॉट ए, नहीं ऐसा नहीं। कॉट ए को किस तरह से अरेंज करोगे कि वो साइन ए के बराबर हो जाएगा, आपको वो करना है। उसी को कैसे अरेंज करके आप सेक ए ला सकते हो, वो करना है। अच्छा देखते हैं कैसे, हो सकता है बहुत लोगों को अभी भी नहीं पता चला कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। सॉल्व करेंगे तो अपने आप आइडिया आएगा, मैं पहले एक सॉल्व करवाता हूँ तो आपको अपने आप आइडिया जाएगा कि क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है, क्या ये लोग पूछना चाहते हैं ठीक है। तो साइन ए को आपको कॉट ए के टर्म्स में लिखना है,
मतलब साइन से आपको लाना है क्या, कॉट। अब आपने जितनी भी आइडेंटिटीज याद की हैं या जो भी पीछे आपने फॉर्मूलेस देखे हैं, उसमें साइन का डायरेक्ट कॉट में रिलेशन नहीं है। रमेश को सुरेश से काम है, पर रमेश सुरेश को जानता ही नहीं है। ठीक है, तो रमेश सुरेश से काम कैसे लेगा? तो रमेश एक ऐसे आदमी को ढूंढेगा, ठीक है, जिससे रमेश भी जानता है और सुरेश भी जानता है। रमेश अपनी बात उस आदमी से कहेगा, वो आदमी वो बात सुरेश से करवाएगा। ठीक है, तो रमेश ने एक बंदा ढूंढा, महेश। ठीक है, महेश ऐसा है जो दोनों को जानता है। ठीक है, समझ में आया? महेश रमेश का भी दोस्त है, महेश सुरेश का भी दोस्त है। तो रमेश महेश को बोलेगा, अरे यार वो तेरा दोस्त सुरेश नहीं है, उससे मेरा ये काम है, करवा देना। ठीक है, तो रमेश महेश को बोलेगा, महेश इसकी बात सुरेश तक ले जाएगा, काम हो जाएगा। तो मतलब ये कि साइन ए से कॉट ए में आपको जाना है और आपका डायरेक्ट रिलेशन है नहीं साइन का कॉट से, तो आप क्या करोगे, बीच में कोई एक ऐसा फंक्शन ढूंढोगे तो साइन को आप उसमें कन्वर्ट कर सको और वहां से आप ला सको कॉट। अच्छा, अब ये कैसे होगा? देखो, कॉट का एक फॉर्मूला आपने को पता है, कॉट ए होता है कॉस बाई साइन, है ना, कॉस ए बाई साइन है। तो तुम बोलोगे कि कॉट का साइन से रिलेशन है ना? नहीं है, ऊपर एक कॉस भी तो है ना, डायरेक्ट रिलेशन तो नहीं है ना, कॉस के साथ रिलेशन है, साथ में दो चीजें आ रही है ना, तो वो हम रिलेशन नहीं कहेंगे, वैसा हम यूज नहीं करेंगे। अच्छा, तो क्या कर सकते हैं? देखो, हमको इतना पता है कि साइन को 1/cosec लिखा जा सकता है, नहीं लिखा जा सकता, और कॉसेक का कॉट से रिलेशन है। अभी हमने पीछे पढ़ा क्या, 1+cot² θ होता है आपका cosec²θ, समझे? तो कॉट का कोसेक से रिलेशन है, कोसेक से साइन का भी रिलेशन है, समझे? तो आप क्या करोगे, साइन को कोसेक में ले जाओगे, कोसेक को कॉट में कन्वर्ट कर दोगे, साइन का कॉट में रिलेशन मिल जाएगा, समझे? तो अब शुरू करते हैं अपन। ये है मेरा साइन ए, इसको मैं लिख सकता हूं 1/cosec A। अच्छा, ये हो गया मेरा एक इक्वेशन। अब कोसेक का कॉट से क्या रिलेशन है मेरे को पता है, 1+cot² A होता है cosec²A, राइट? तो मैं इसमें से कोसेक की वैल्यू ले लेता हूं, कैसे मिलेगा, कोसेक स्क्वायर है ना ये, तो कोसेक ए कितना हो जाएगा तुम्हारा, √1+cot² A होगा कि नहीं होगा, दोनों तरफ रूट ले लिया। कोसेक स्क्वायर क्या होता है, 1+cot², तो खाली कोसेक क्या होगा, दोनों तरफ रूट ले लो, है तो कॉसेक हो गया कितना, 1/√1+cot² A। इसको अपन पुट कर देते हैं वन में, पुटिंग दिस इन वन, क्या हो जाएगा आपका, साइन ए इक्वल्स टू 1/cosec A है, उसके जगह पे क्या लिख सकते हो तुम, √1+cot² A, हो गया काम। तो साइन ए कॉट के टर्म्स में लिख दिया तुमने, है ना, साइन ए क्या हो गया, 1/√1+cot² A, साइन को कॉट के टर्म्स में लिख दिया, है ना, यानी आप साइन ए लिखो चाहे 1/√1+cot² A लिखो, दोनों का मतलब सेम होता है। तो साइन को आपने कॉट के टर्म्स में ऐसे लिख दिया, समझ में आया, क्वेश्चन में यही पूछा जा रहा था। अब मेरे ख्याल से आप सेकंड क्वेश्चन भी पिक कर सकते हो आसानी से, तो चलो सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। दूसरा क्या, सेक को लिखना है कॉट के टर्म्स में, राइट? अब सेक का कॉट से रिलेशन निकालना है, कैसे आएगा भाई, सेक का भी कॉट से डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। सेक का किससे रिलेशन है, सेक का रिलेशन है कॉस से, है क्या, सेक का 1/cos होता है ना, अच्छा, पर कॉस का कॉट से रिलेशन है क्या, नहीं है। अच्छा, और कोई तरीका है क्या, सेक का टेन से रिलेशन है क्या, और टेन का कॉट से रिलेशन है क्या, अच्छा सेक का टेन से कैसे रिलेशन है, अभी हमने पीछे आइडेंटिटी पढ़ी, क्या पढ़ा हमने, 1+tan² A होता है आपका sec² A, तो टेन का सेक से रिलेशन हुआ ना, है ना, 1+tan² A sec² हो गया, समझ में आया, पक्का आया, अच्छा समझे, तो आप यहां से शुरू करोगे, 1+tan² A है आपका कितना, sec² A, तो आपका sec A कितना हो जाएगा, √1+tan² A, राइट? तो sec A हो गया आपका 1+√tan² A। अच्छा, अब क्या करोगे इसको,
वन प्लस, आपको टेन के टर्म्स में थोड़ी ना लिखना था, आपको किसके टर्म्स में लिखना था, कॉट के टर्म्स में, है ना। सेक ए को आपको किसको कॉट के टर्म्स में लिखना था, आपने टेन के टर्म्स में लिख दिया। अच्छा टेन को क्या कर सकते हो आप, कॉट लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, वन बाई कॉट लिख सकते हो क्या, वन बाई कॉट स्क्वायर है, टेन स्क्वायर को आप लिख सकते हो कितना, वन बाई कॉट स्क्वायर। इतना लिख के कर दोगे तो भी चलेगा, और नहीं तो फर्दर सॉल्व करना चाहते हो वो भी कर सकते हो एलसीएम लेके, तो कॉट स्क्वायर प्लस वन यानी कॉट स्क्वायर ए प्लस वन अपॉन कॉट स्क्वायर ए, तो इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो आएगा अंडर रूट, ये वन प्लस कॉट स्क्वायर ए लिखो या कॉट स्क्वायर ए प्लस वन लिखो एक ही बात है, चलता है, कॉट स्क्वायर ए प्लस वन अपॉन कॉट ए, ये है आपका सेक ए। समझ में आ गया, इजी है। यहाँ थोड़ा सा प्रॉब्लम रहता है, थोड़ा थोड़ा सा, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। और कॉट को टेन के टर्म्स में लिखना है, सॉरी टेन को कॉट के टर्म्स में लिखना है, डायरेक्टली लिख देंगे अपन टेन इज वन बाई कॉट, ठीक है, तो ये सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, तो डायरेक्टली फॉर्मूला पता है अपन को। अच्छा इसमें सेकेंड क्वेश्चन क्या है, राइट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए। ओ हो, सारे ठीक है, सबको सेक के टर्म्स में लिखना है, ठीक है, मतलब साइन कॉस ए टेन ए, सेक तो रहेगा नहीं, सॉरी कॉट ए, सेक में तो लिखना ही है तो सेक नहीं लेंगे, कोसेक ए, इन सबको सेक के टर्म्स में लिखना है। ओके सबसे पहले साइन ए वाले के लिए करेंगे अपन। अच्छा कैसे कर सकते हैं अपन, साइन का डायरेक्टली सेक से रिलेशन है क्या, नहीं है, साइन का किससे रिलेशन है, साइन का रिलेशन है कॉस से, कॉस का रिलेशन है सेक से। अब बोलोगे अरे थोड़ी देर पहले तो बोल रहे थे साइन का कॉस से रिलेशन ही नहीं है ना, नहीं नहीं सॉरी अपन ने टेन का दिया था राइट, तो उसमें दो आ रहे थे, साइन का कॉस से रिलेशन है कि नहीं है ये बताओ, पक्का है, कैसे देखो, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू वन होता है, तो साइन ए और कॉस ए का रिलेशन है और कॉस का सेक से रिलेशन है, तो आसान हो जाएगा अपने को, ठीक है। तो क्या करेंगे अपन, वही लिखना चाह करेंगे, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू वन, तो साइन स्क्वायर ए हो गया आपका वन माइनस कॉस स्क्वायर ए, वन माइनस, अच्छा कॉस को डायरेक्टली सेक लिख सकते हैं अपन, वन बाई सेक है ना, वन बाई सेक स्क्वायर ए, एलसीएम ले लो, सेक स्क्वायर ए माइनस वन अपॉन सेक स्क्वायर ए दैट इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए, पर साइन स्क्वायर थोड़ी चाहिए था अपन को, तो साइन चाहिए था, तो साइन कैसे मिलेगा भाई, दोनों तरफ रूट ले लेंगे, तो अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस वन बाय सेक ए, रूट लिया ना, ये रूट और इसका रूट क्या, तो स्क्वायर के साथ रूट कट गया तो खाली सेक बचा, तो ये पहला वाला हुआ अपना। अच्छा अब दूसरा कौन सा अपना, कॉस को सेक के टर्म्स पर लिखना है, वो तो बहुत आसान है, डायरेक्टली लिख सकते हैं अपन, वो नहीं लिखा हुआ, मैं टेन को लिखते हैं अपन, टेन ए को अब सेक एक के टर्म्स में, अरे यार सिंपल सी बात है, ये भी बहुत आसान है, अपने को पता है वन प्लस टेन स्क्वायर ए होता है कितना, सेक स्क्वायर ए, तो टेन स्क्वायर ए हो जाएगा आपका कितना, सेक स्क्वायर ए माइनस वन, तो टेन ए हो जाएगा अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस वन राइट। दूसरा कौन सा, कॉट ए चाहिए आपको, कॉट ए भी सेक ए के टर्म्स में चाहिए, तो टेन ए तो आपको मिल ही गया है ना, तो कॉट ए क्या होता है, इसका उल्टा होता है, तो ये आ जाएगा वन बाई अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस वन, कॉट ए मिल गया आपको, टेन मिल गया, कॉट मिल गया, आप कोसेक के टर्म्स में चाहिए है ना, कोसेक भी चाहिए सेक के टर्म्स में राइट, टेन मिल गया कॉट भी मिल गया, आप कोसेक वाले के लिए देखते हैं, कोसेक का क्या कर सकते हैं अपन, कोसेक को सेक के टर्म्स में कैसे लिखेंगे, रिलेशन है क्या दोनों का डायरेक्ट, हाँ नहीं है ना, तो कोसेक का सेक से रिलेशन नहीं है और मैंने गलती कर दी जो मिटा दिया, ठीक है, हमने साइन को निकाला था सेक के टर्म्स में राइट, उसी का उल्टा कर देते तो कोसेक मिल जाता हमको सेक के टर्म्स में है ना, तो कोई बात नहीं, अब मिटा दिया तो कोई बात नहीं, फिर से कर लेते हैं अपन, तो अपन को पता है कोसेक का सेक से डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, ठीक है, तो साइन का तो सेक के साथ अभी अपन ने थोड़ी देर पहले रिलेशन निकाला था, कैसे निकाला था अपन ने साइन और सेक का रिलेशन, अपने निकाला था क्या, साइन स्क्वायर इज इक्वल टू वन माइनस कॉस स्क्वायर है ना, वन साइंस स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर वन होता है, तो साइंस स्क्वायर को वन माइनस कॉस स्क्वायर में लिख सकता हूँ, और इसको लिख सकता हूँ मैं वन बाई सेक स्क्वायर ए। देखो ये वापस से कर रहा हूँ तो इससे एक चीज़ और आपको पता चल जाएगा कि
कि जरूरी नहीं है कि आपको एग्जाम में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का सेक के टर्म्स में डायरेक्टली मतलब एक साथ दे दिया जाए। खाली ऐसा भी हो सकता है ना कि राइट कोसेक ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए, खाली यही क्वेश्चन आया तो आपको ये पूरा करना ही पड़ता है ना। तो चलो एक तरह से वो जो गलती हुई उसका एक फायदा भी हो रहा है, गलती तो नहीं बोलेंगे उसको, जो छूट गया हमसे मिटा दिया हमने, ठीक है, जो हम अपनी मतलब मेहनत बचाना चाहते थे वो नहीं बची, लेकिन फिर भी उससे फायदा तो हो रहा है कुछ, ठीक है, कि एक अलग से अगर खाली क्वेश्चन आया ऐसा तो अपने को पूरा का पूरा स्टेप करना ही है, तो कर लेते हैं भाई। चलो साइंस स्क्वायर इज 1 माइनस कॉस स्क्वायर, कॉस को लिख सकते हैं अपन 1 बाई सेक, इसलिए 1 बाई सेक स्क्वायर, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बाई सेक स्क्वायर ए। एलसीएम ले लिया मैंने, इक्वल्स टू साइन स्क्वायर ए है ना, तो साइन ए हो जाएगा आपका कितना, दोनों तरफ रूट ले लेंगे अपन, तो ये वाला रूट में जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1, और इसका रूट हटेगा तो खाली सेक ए बचेगा। अच्छा साइन ए है ना, एक्चुअली में आपको क्या चाहिए था, कोसेक चाहिए था ना, तो उल्टा कर दो, तो कोसेक ए कितना हो जाएगा, इधर भी उल्टा, सेक ए अपॉन अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। अगर सेपरेट क्वेश्चन है तो पूरा का पूरा करना है, और वो पूरा साथ में जो था हमारा एक ही साथ सबका पूछा था ना, तो हमने वहां साइन का निकाला ही था, तो ये वापस नहीं करना पड़ता हमको, यहां तक तो हमको मिला ही हुआ था, डायरेक्टली ये लिख सकते थे। चलो कोई बात नहीं, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 3 है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 8.4, ओहो इवेल्युएट, तो देखो ये तो थर्ड क्वेश्चन करने जा रहा हूं मैं, ये उन लोगों को नहीं करना है जो 2021 में सीबीएसई से एग्जाम देने वाले हैं, ठीक है, क्योंकि उनकी कॉम्प्लीमेंट्री वाली एक्सरसाइज यानी कि 8.3 भी पूरी उड़ी हुई है, और ये वाले का रिलेशन 8.3 से भी है, ठीक है, जिसको सीखना है सीख लो, और जिसको नहीं करना है 2-3 बार टैप मारो आगे बढ़ो, ठीक है, आगे के क्वेश्चंस देखते हैं। तो सबसे पहले मैं ये तो मेरे को करवाना पड़ेगा क्योंकि और भी बोर्ड के बच्चे हैं, साइंस स्क्वायर 63, साइंस स्क्वायर 63 प्लस साइंस स्क्वायर 27 बाय कॉस स्क्वायर 17 प्लस कॉस स्क्वायर 73, कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री, इसको आपको सॉल्व करना है, इवेल्युएट करना है, इवेल्युएट ही है ना, हाँ इवेल्युएट है। तो देखो क्या करेंगे अपन, जिन लोगों ने कॉम्प्लीमेंट एक्सरसाइज वाला समझा है उसको पता चलेगा क्या करना है। देखो एक साइंस स्क्वायर 63 है, साइंस स्क्वायर 67 है, 63 27 अलग अलग एंगल से, राइट, तो क्या करो किसी एक को कन्वर्ट कर दो, या तो इसको या तो इसको, ठीक है, सपोज इसको मैं कन्वर्ट कर देता हूँ, साइंस स्क्वायर 63 है, ठीक है, साइंस 63 को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस 90 माइनस 63 लिख सकते हैं ना, तो साइंस स्क्वायर 63 को हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर 90 माइनस 63, राइट, और इसको ऐसे ही रहने दिया, किसी एक को ही कन्वर्ट करना होता है, दोनों को नहीं करना होता है। नीचे भी सेम वैसे ही करेंगे अपन, ये कॉस स्क्वायर 17 है, इसको मैं लिख सकता हूँ कितना, साइंस स्क्वायर 90 माइनस 17, और ये वाले को ऐसे ही रहने दिया, ठीक है, चलो यहाँ साइड में लिख देते हैं अपन, साइंस स्क्वायर सॉरी कॉस स्क्वायर 90 माइनस 63, तो 90 माइनस 63 कितना होता है, 27 होता है क्या, और ये यहाँ पर साइंस स्क्वायर 27 है डिवाइड बाय, अच्छा स्क्वायर भी था, साइंस स्क्वायर 90 माइनस 17 कितना होता है, 73 होता है, 73 प्लस कॉस स्क्वायर 73, ठीक है, अब देखो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइंस स्क्वायर थीटा दोनों एंगल सेम है ना, तो कॉस स्क्वायर ए प्लस साइंस स्क्वायर है या साइंस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर है, दोनों जो भी बोलो क्या होता है, 1 होता है। यहाँ भी देखो साइंस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा दोनों का सेम एंगल है, साइंस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, तो क्या आएगा आंसर, 1 आएगा। अच्छा अगर देखो साइंस स्क्वायर 20 प्लस कॉस स्क्वायर 30 है तो ये 1 नहीं होगा, दोनों सेम होता है ना, तब साइंस स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का वैल्यू 1 होता है, ठीक है। सेकेंड वाला क्वेश्चन है इसमें ही, क्या है वो, साइन 25 प्लस कॉस 65, देखो भाई पूरा करवाना ही पड़ेगा ये भी लग रहा है, करवा देते हैं क्या फर्क पड़ता है, साइन 25 कॉस 65, साइन 25 डिग्री कॉस 65 डिग्री प्लस कॉस 25 डिग्री साइन 65 डिग्री,
कॉस 25 डिग्री, साइन 65 डिग्री। ओके तो क्या करोगे, साइन कॉस, साइन कॉस अगल बगल में दिखें, समझ जाना साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बनेगा ही बनेगा। और देखो दोनों एंगल अलग, तो एक को किसी को कन्वर्ट कर लो, इसको मैं कन्वर्ट कर दूं डायरेक्ट ले दूं क्या, कॉस 65 होगा ये, और एक को ऐसे रहने दिया। इनमें से किसको कन्वर्ट करोगे, किसी एक को कन्वर्ट करो। अच्छा अगर इसको कन्वर्ट कर देते हो, यहाँ ध्यान देने वाली बात है, देखो ये अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है। साइन कॉस, यहाँ आपने साइन को कॉस में कन्वर्ट किया, और यहाँ वाला भी अगर साइन को कॉस में कन्वर्ट कर दो, ठीक है, तो यहाँ भी कॉस स्क्वायर हो जाएगा दोनों, और यहाँ भी कॉस स्क्वायर हो जाएगा, तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। समझ में आया, आपको बनाना क्या है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बनाना है, ठीक है। जब ऐसा क्वेश्चन आए, साइन कॉस बगल बगल में दिखें, ठीक है, साइन कॉस प्लस साइन कॉस या साइन कॉस माइनस साइन कॉस ऐसा कुछ दिखे, तो किसी एक को कन्वर्ट करो, ठीक है। कॉस वाला रखा आपने यहाँ पर, आपने यहाँ पर क्या किया, साइन को कॉस में कन्वर्ट किया। अगर यहाँ साइन को कॉस में कन्वर्ट किया है, तो यहाँ पर कॉस को साइन में कन्वर्ट करो। समझ में आया, ताकि यहाँ दो साइन बने, साइन स्क्वायर बने, और यहाँ कॉस स्क्वायर बने। समझ में आया, अगर प्लस वाला है, माइनस वाला है, तो आपको इस तरह का क्वेश्चन आएगा कि यहाँ दोनों कॉस रखो तो यहाँ भी दोनों कॉस रखो लाओ, यहाँ दोनों साइन लाओ तो यहाँ भी दोनों साइन लाओ, माइनस वाला रहेगा तो कैंसिल आउट होने वाला होगा, क्योंकि आपके पास साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर का फॉर्मूला थोड़ी है, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा पता है, साइन कॉस माइनस साइन कॉस ऐसा बन जाए, या साइंस सॉरी कॉस कॉस माइनस कॉस कॉस ऐसा बन जाए, सेम सेम वाला होगा तो ही माइनस होगा, राइट। साइंस कर माइनस कॉस कर का क्या फॉर्मूला नहीं है, तो आप ऐसा नहीं बनाओगे। क्या कह रहा हूँ समझ में आ रहा है, साइंस को 25 सॉरी साइन 25 कॉस 65 है, कॉस 25 है, साइन 65 है, यहाँ बीच में प्लस है, साइन कॉस, साइन कॉस अगल बगल दिखें, तो आपको साइंस कर प्लस कॉस कर बनाना है। उसके लिए आप क्या करोगे, एक में साइन को चेंज करोगे, दूसरे वाले में कॉस को चेंज करोगे, ठीक है। तो साइन 25 वाला है, मैंने इसको कॉस 65 कर दिया, इस वाले में मैंने साइन को चेंज कर दिया, इस वाले में कॉस को चेंज कर दूंगा, तो कॉस 25 है, मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, साइन 65 लिख सकता हूँ। इतना तो अब आपको थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस हो जाना चाहिए पिछले एक्सरसाइज करने के बाद, कि डायरेक्ट आप कन्वर्जन कर सको, बार बार वो 90 माइनस लिखने वाला झंझट ना करना पड़े। ये हो जाएगा हमारा कॉस स्क्वायर 65, ये हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर 65, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आंसर 1 हो गया। ये चलो तो क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 4 है, चूज द करेक्ट ऑप्शन, जस्टिफाई योर चॉइस। अच्छा पहला है फोर्थ में, 9 sec स्क्वायर a माइनस 9 tan स्क्वायर a, 9 sec स्क्वायर a माइनस 9 tan स्क्वायर a इक्वल्स टू डैश, राइट। ऑप्शंस हैं आपके a 1, b 9, c 8 एंड डी 0। ऐसे क्वेश्चंस ना मुंह पे सॉल्व होने चाहिए, मुंह पे, ठीक है। पहली बार है तो सॉल्व करवा रहा हूँ, बार बार नहीं करवाऊंगा। देखो 9 sec स्क्वायर माइनस 9 tan स्क्वायर है, उसमें से 9 कॉमन ले लो, तो बचेगा sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a, है ना, बराबर है, इक्वल्स टू 9। sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a क्या होता है, 1 होता है, पता है ना, 1 प्लस tan स्क्वायर होता है sec स्क्वायर, ये tan स्क्वायर वहाँ जाएगा, तो sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a हो जाएगा, राइट। इधर क्या बचेगा, 1, समझ में आया, तो sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर को अपन 1 लिख सकते हैं, तो इसकी जगह पे लिख दिया 1 लिख दिया, तो 9 इंटू 1 क्या 9 आएगा, तो ऑप्शन कौन सा है हमारा, बी है। समझ में आया, इसीलिए मैंने कहा था फॉर्मूले के साथ खेलना सीख लो, ठीक है, डायरेक्ट खाली सीधा वाला फॉर्मूला याद रख के काम नहीं चलेगा। अच्छा क्वेश्चन नंबर 2 है इसमें, ये तो थोड़ा बड़ा सा दिख रहा है, 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा, फिर क्या है, 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा इक्वल्स टू कितना आएगा पता नहीं, और ऑप्शंस है हमारे ए 0, बी 1, सी 2 और डी है कितना, माइनस 1। ओके तो देखो ये बड़ा सा दिख रहा है, इसको हम कैसे करेंगे, टेन को अपन साइन बाय कॉस लिख सकते हैं,
sec को भी 1 बाई कॉस लिख सकते हैं, दोनों में नीचे कॉस आ रहा है, सेम सेम डिनोमिनेटर बन रहा है। यहाँ देखो कॉस बाई साइन लिख सकते हैं इसको, इसको 1 बाई साइन लिख सकते हैं, दोनों में नीचे साइन बन रहा है, डिनोमिनेटर सेम हो रहा है, तो अपन वही अप्रोच लेके चलेंगे। ठीक है, अपन लिख देते हैं 1 प्लस टेन को लिख देते हैं साइन बाई कॉस, प्लस इसको लिख देते हैं 1 बाई कॉस, ये लिख देंगे 1 प्लस कॉट की जगह पर कॉस बाई साइन, माइनस कोसेक की जगह 1 बाई साइन। एलसीएम ले लेते हैं अपन, तो यहाँ कॉस है इसके नीचे नहीं, इसलिए यहाँ पर कॉस आ जाएगा, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1 बाय कॉस थीटा, ये हो जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 बाय साइन थीटा। अच्छा ये पूरा मल्टीप्लिकेशन में है ना। अच्छा और एक चीज़ नोटिस करो, कॉस प्लस साइन, ये भी कॉस प्लस साइन बोल सकता हूँ क्या मैं, साइन प्लस कॉस बोलो या कॉस प्लस साइन बोलो, दोनों प्लस में ही है ना, तो इनको आपस में तो आगे पीछे हम लिख ही सकते हैं ना, उसके साथ नहीं, इन दोनों का आपस में साइन प्लस कॉस बोलो या कॉस प्लस साइन बोलो एक ही बात है। तो ये भी कॉस प्लस साइन हो सकता है, ये भी कॉस प्लस साइन है ही, ठीक है। तो ये समझो ये एक्स है, तो ये भी एक्स है हमारा, दोनों सेम ही चीज़ है, एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1 है ना। तो जब सेम आता है ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ना मल्टीप्लीकेशन में, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं पता है, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर है ना। ए प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, ये पूरा समझ लो ए है प्लस बी, ये पूरा है ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन, ये तो मल्टीप्लाई हुए ऊपर ऊपर वाले और नीचे नीचे वाले मल्टीप्लाई हुए तो क्या होंगे साइन और कॉस, ठीक है। और आगे सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, ये पूरा ब्रैकेट में होल स्क्वायर है तो एक्सपांड कर देंगे अपन, ए प्लस बी होल स्क्वायर लगा देंगे अब, है ना। देखा नाइन्थ की ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज कितना काम, सॉरी नाइन्थ की जो एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज है कितना काम आ रही है, कॉस प्लस साइन का होल स्क्वायर, तो कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर प्लस 2 कॉस साइन, जगह कम पड़ रहा है यहाँ लिख लेते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा साइन थीटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी, ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला राइट, माइनस 1 डिवाइड बाई साइन थीटा कॉस थीटा। अच्छा ये देखो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर है, ये कितना हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा क्या, 1 प्लस 2 कॉस थीटा साइन थीटा है ना, इस पूरे की जगह पे मैंने लिख दिया 1, ये तो ऐसा ही है और ये माइनस 1 था ही, होल बाय साइन थीटा कॉस थीटा। अब देखो ये 1 और ये माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या 2 कॉस थीटा साइन थीटा अपॉन 2 कॉस थीटा साइन थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा, ये कट जाएंगे तो बचेगा क्या आपका आंसर 2, तो कौन सा ऑप्शन आएगा 2, बोलो एमसीक्यू के लिए इतनी मेहनत करवाते हैं। अगला क्वेश्चन है इसमें फोर्थ में, थर्ड राइट, क्या है क्वेश्चन, सेक ए प्लस टेन ए, सेक ए प्लस टेन ए ब्रैकेट में दूसरे 1 माइनस साइन ए इक्वल टू कितना होगा, और ऑप्शंस हैं ए बी सी डी, क्या है हमारा ए sec a sin a cosec a, sec a sin a cosec a, और d वाला क्या है हमारा cos a। ओके इसको कैसे करेंगे आप, sec है 1 बाई cos, tan होता है sin बाई cos, दोनों का डिनोमिनेटर cos बनेगा, तो और यहाँ पे भी sin में है तो इनको भी sin cos के टर्म में लिखो ज़्यादा आसान पड़ेगा। sec को लिखेंगे अपन 1 बाई cos a है ना, tan को लिखेंगे sin a बाई cos a, और ये हमारा ब्रैकेट है 1 माइनस sin a। अच्छा दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो अपन डायरेक्टली लिख सकते हैं 1 प्लस sin a अपॉन cos a है ना, और यहाँ दूसरा 1 माइनस sin a है ही, फिर से 1 प्लस एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई, या a प्लस बी ए माइनस बी आ रहा है क्या, तो वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा अपना है ना, तो इसको लिख सकते हैं अपन कितना 1 माइनस साइन स्क्वायर ए राइट बाय कॉस ए, और 1 माइनस साइन स्क्वायर कितना होता है अपना कॉस स्क्वायर होता है, और नीचे एक कॉस है ही
एक एक कॉस्ट कट जाएगा तो एक कॉस्ट ए बचेगा। कौन सा ऑप्शन है आपका? डी, राइट। थर्ड हो गया, अब कौन सा है हमारा? फोर्थ। फोर्थ क्वेश्चन है, 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बाय 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए कितना होगा? और ऑप्शंस दिए हैं आपको, सेक स्क्वायर ए, दूसरा है बी वाला -1, सी है कॉट स्क्वायर ए और डी है 10 स्क्वायर ए। ओके, तो बहुत आसान है ये तो। 1 प्लस 10 स्क्वायर क्या होता है आपका? सेक स्क्वायर होता है, फॉर्मूला आपको याद है, आइडेंटिटी। 1 प्लस कॉट स्क्वायर क्या होता है? कोसेक स्क्वायर ए होता है ना? इसको आप क्या लिख सकते हो? सेक स्क्वायर को हम लिख सकते हैं। अच्छा, इसमें से पहले कोई ऑप्शन है कि नहीं देख लो। अच्छा, नहीं है। सेक स्क्वायर को आप लिख सकते हो 1 बाय कॉस स्क्वायर ए, और कोसेक स्क्वायर को लिख सकते हो 1 बाय साइन स्क्वायर ए। तो इसका तो ऊपर जाएगा ना, है ना? समझाया? नहीं, जिसको समझ में आए उसके लिए और स्टेप लिख देता हूँ। सेक स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 1 बाय कॉस स्क्वायर ए, कोसेक स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 1 बाय साइन स्क्वायर ए। तो सबसे नीचे वाला ऊपर जाता है, राइट? फर्स्ट का फोर्थ, सेकेंड और थर्ड। तो साइन स्क्वायर ए इंटू 1 बाय 1 इंटू कॉस स्क्वायर ए, जिसको पहले वाला नहीं समझ में आया उसके लिए। तो अल्टीमेटली क्या बनेगा? साइन स्क्वायर ए बाई कॉस स्क्वायर ए, ये क्या होता है हमारा? 10 स्क्वायर ए। कौन सा ऑप्शन है? डी। ठीक है, हो गया ये क्वेश्चन। अच्छा, फिर है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज वेयर द एंगल्स इन्वॉल्व आर एक्यूट एंगल्स। ओहो, तो यहाँ से फिफ्थ क्वेश्चन के से अपनी जो है ना मेन एक्सरसाइज स्टार्ट होगी। ठीक है, वहाँ सब गजब गजब के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, और वहाँ बहुत सब आइडेंटिटीज के साथ खेलना है। वो इस वीडियो में नहीं कवर करेंगे, उसके लिए एक अलग से सेपरेट वीडियो बनाएंगे पूरी एक्सरसाइज के, मतलब उस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए। बड़ा एक्सरसाइज मतलब बड़ा क्वेश्चन है, उसके अंदर कितने क्वेश्चंस हैं? 9 10 10 क्वेश्चंस हैं, और सारे क्वेश्चंस टाइम कंज्यूमिंग है। ठीक है, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा आज कवर करने बैठे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, पढ़ाई करते रहो। ठीक है, पढ़ाई करो, तब तक बाय, जय हिंद।